से काम भी बढ़िया गांव में कितना काम किया वहां अच्छे आएंगे आप देखो मिलन कर ले हैं देखो नमस्कार मैं हूँ राजवीर कुमार और आप देख रहे हो जागरूकता मीडिया। साथियों फिलहाल जो है भाई जूही खुर्द के अंदर मौजूद हूँ और जैसा कि आप सभी को पता है कि तुसाम क्षेत्र के अंदर हमारी कंटिन्यू सर्वे जारी है और यहाँ पर काफ़ी सारे लोग मौजूद हैं, उनसे बातें करेंगे कि भाई अभी जो है सरपंच को बने हुए एक साल हो चुके हैं, कितना विकास कार्य हुआ है और बीजेपी सरकार जो है भाई 9 साल से सत्ता के अंदर है उन्होंने कितना विकास कार्य करवाया है, क्या कुछ समस्याएँ हैं, तमाम तरह की बातें यहाँ पर मौजूद लोगों को जानने का प्रयास करते हैं। नमस्कार जी, आपका नाम? नमस्कार जी, हाँ बोलो क्या आपका नाम? रामविलास। सर बात करें बीजेपी सरकार की, 5 साल तो बीजेपी सरकार सत्ता में रही, उसके बाद गठबंधन सरकार है, यानी कि 9 साल हो चुके हैं, अभी 2024 चुनाव है, तो बीजेपी ने कितना कुछ कार्य करवाया कि कुछ नहीं किमी कोई कराया है जमींदार तो डोब दिया सारा मार गया गरी नाज पड़ो है कपास पड़ी 24 चुनाव में किसको वोट है देना कांग्रेस को है वोट तो कांग्रेस हाँ बिल्कुल देना तो उसको है आए कोई हाँ। मेन समस्या क्या क्या आपने गांव के अंदर? समस्या सब चीजें हैं, सफाई की नहीं है एक तो नंबर हाँ कोई काम को नहीं तो हाँ सब कुछ बनी हुई है नाली तो रहती हुई है सफाई नहीं हाँ। नमस्कार, खत्म कर दिया देश। आपका नाम? भगत सिंह। भगत सिंह हाँ जी, नाम तो बढ़िया है, नाम काम भी बढ़िया है। गाँव में कितना काम हुआ? किरणा है कौन जो है कुछ भी नहीं होया, वैसे काम है जमींदार ठिकाने लगा दिए, सब तक पहला काम ये कर दिया, लाइन में लगा दिया जमींदार और बानिया लगा दिया लाइन में, मजदूर लगा दिया, मजदूरी नहीं है, निर्णय गथा वो खत्म कर दिया, समझ गया? फैमिली आईडी को लेकर फैमिली आईडी ना महाराज वो ऐसा भट्ठा बैठाया है जो सरकारी मास्टर लग रहे हैं उनको 5 किलो गेहूँ मिल रहा है, तेल मिल रहा है, गरीब आदमी है उनको कुछ नहीं मिल रहा, साफ है बिल्कुल। जो सरकारी नौकरी कर लेते हैं ना मास्टर, उनको तेल सरसों गेहूँ मिल रहा है, जो पात्र हैं जो लायक है उनका तो कुछ नहीं है, लेकिन जो नौकरी वाले हैं जो अच्छा उनका तो कुछ भी नहीं मिल रहा है। वो अब 180 करिए 1080 की, उसमें कुछ फायदा हुआ है गरीब आदमियों का हाँ, नहीं तो सब पढ़े लिखे ले रहे थे मास्टर हाँ, साहब उनको तेल मिला मास्टर को या रिकॉर्ड कर लो हाँ, 2 किलो तेल 5 किलो चावल गरीब आदमी में कुछ नहीं मिल रहा हाँ। अपने गांव में कोई ऐसा मकान भी जो मतलब पत्थर हो इसको लोन वगैरह पास नहीं हुआ कोई गरीब सारा है किसी का तुम्हारा है कौन है हाँ। आपका हाँ। गरीब मकान नहीं है, मकान नहीं है अमीरा बने इनकम कितनी मेरे भाई है? मेरे भाई 1,80,000 करा, किसी में 1 ठंडी को नाम नहीं मेरे 1,80,000 हाँ। कैसा बीपीएल? बीपीएल है, और इसमें सांस की बीमारी, मेरे कोई आमदनी नहीं, कोई पेंशन नहीं, कोई बोझ नहीं, कोई नौकरी नहीं, कुछ भी नहीं है, मैं बीमार आदमी, 5 मेरा बालक से, अरे 1,80,000 रुपये इनकम करा के भी 24 के अंदर चुनाव है ताऊ जी, तो क्या क्या कुछ देख रहे हो आप? 24 के कुछ देखा ये बात कर तो देखने पड़े नहीं सरकार की जिले में सरकार में कुछ को नहीं हमारा, तीसरी सरकार तो सत्ता में है ही नहीं अपने हरियाणा में, एक ही है, दो ही पार्टी है कांग्रेस और बीजेपी हाँ, हम तो करा कोशिश तो बीजेपी की करा दी, 6,000 रुपये देगा गरीबों को, सब गरीबों को कुछ काम तो नहीं हो यार, बढ़नी है ना पीपी इसको उनको पाड़ के फेंक दूंगा हाँ, उड्डा है सबसे बढ़िया। नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार, बोल आपका नाम? मेरा नाम नरेश, बोलो। जूही खुर्द के अंदर कितना विकास? विकास किम में को नहीं हो रहे हो, किम्स भी नहीं हो रहे, पीछे जो है 1.5 साल तक चुनाव नहीं हुए मतलब पूरा चला गया ऐसे टाइम, उसके बाद लगभग 1.5-2 साल में चुनाव हुए थे अपने हरियाणा के अंदर, तो सबको ये आशा थी कि भाई अपने अभी जो है गांव के दिन अच्छे आएंगे, अच्छा विकास होगा, कुछ भी काम नहीं हो रहा अपने गाँव, मेरा गाँव में कुछ भी काम नहीं हो रहा, नाली साफ नहीं हो रही हो तो क्या हो रहा है? सफाई कर्मचारी कितने अपने जूही खुर्द में? दो, अब छोड़ तो जूही खुर्द में दो रखे थे, दो है हाँ, बस हर नाम नहीं आते हो? नहीं 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 आते, कुछ भी नहीं, कोई कैमरा नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कैमी कॉल, कोई ऐसी गाड़ी जो मतलब पत्थर हो भाई जो बनाने लायक हो? गनी है, कच्ची गाड़ी है कोई? हाँ कच्ची गाड़ी है हाँ, या पड़ी पंचायत की गाड़ी है हाँ, पंचायत की नहीं, पैसा है को नहीं, कहाँ से बनाए? सरपंच क्या करे बताओ, मैं आपको गली दिखाऊंगा भाई जूही खुर्द के अंदर हूँ, और यहाँ पर जो गली है भाई वो कच्ची है, आ जाओ भाई कैमरा मैन, एक गली भाई यहाँ पर कच्ची है, आपने देखा होगा बहुत सारे गांव के अंदर जो है
गलियां लगभग कम्प्लीट हो चुकी हैं, लेकिन कुछ गलियां ऐसी हैं जो भाई नहीं बनी हुई हैं। ये गली भाई देख लो, आगे ना जाए थोड़ा एक बार दिखा दे। ये गली भाई, ये गली जो है इसका बुरा हाल देखो, कितना बुरा हाल है इस गली का। पानी जो है बीचों बीच आता है, आगे जाके बीच में भर जाता है, तो यहाँ पर आने जाने को सुविधा होती है। ये गली पंचायत की है जी? पंचायत की। ये पिछली बार हमने सरपंच बनाई थी बीजेपी की सरकार में। अब पिछली योजना बनाई, आपकी योजना में कुछ नहीं काम, सब बिल्कुल बंद पड़ा है, कोई भी नहीं, किसी को लेने वाला नहीं है। हाँ, इस सरकार ने तो बहुत है। ऐसी कोई और भी गली अपने जोधपुर में है? नहीं, आगे और भी है। आगे आप चलोगे इसी साइड में है। रोजगार की तो इस सरकार में रोजगार कितना नजर आ रहा है भाई? रोजगार तो देखिए किमी को मिला, नरेगा बंद कर दी, जो ही मिले किमी को मिला भाई, नरेगा ही बंद है ना। पिछली योजना में किमी नरेगा को तो मिला था कुछ, इनका तो कुछ है भाई। यहाँ के सरपंच कौन है फिलहाल? नहीं है तेरे मरवा, फिलहाल यहाँ के सरपंच कौन है? सरपंच कौन फिलहाल? तो लेडीज है ना, लेडीज है फिलहाल, तो लेडीज है। आबादी कितनी अपने गांव की? आबादी तो होगी मेरे ख्याल में 800 गांव होंगे, जो ही घर होंगे 800 गांव। तीन तो पड़ते ही। पंचायत जाना क्या करेगी? सरकार जाने की पैसे देंगे नहीं देंगे बताओ? काम कुछ नहीं हमारे गांव में, कुछ काम। अच्छा, हर गांव में जैसे कुर्सियां रखी हुई है सीमेंट वाले बैठने के लिए, जैसे बस स्टैंड वगैरह? कोई नहीं भाई, वो तो वो कुर्सी भी कोई नहीं बैठने खातर, वो तो दो चार उधर गिरा दो, दो चार इन्हें गिरवा दो, अगर हाँ कुर्सी भी नहीं है। राम राम भाई क्या नाम है? मोहित भाई। क्या करते हो भाई? ये तो फिलहाल दुकान का रखे भाई, बर्तन साफ करे। सर किमो कौन कर? नौकरी नहीं लगी ना? नौकरी कड़े नौकरी और तो भाई यार पहले ही लाए लर। तो इस सरकार में कितना क्या रोजगार मिला युवाओं? युवाओं को मिला होगा भाई, आप ही मिला नहीं? संघर्ष भी कराया था, खूब कराया था। कितनी पढ़ाई की है? पढ़ाई कितनी की? इंजीनियरिंग का कोर्स कर रखा है, प्लस टू कर रखे है साइंस साइड से, ये कर रखा है। चुनाव हैं अभी जो जस्ट चुनाव होने वाले हैं, तो उसमें क्या कुछ देख रहे हो आप? 2024 में भी है भाई, आगे भी होगा। जो चुनाव लो ने जब तो सरकार जोर दिखा दे आपको, आज है फलाने सम्मेलन कर ले हैं, देखड़ो कर ले हैं, लेकिन वो काम में कौन पड़ा भाई? पूछा ही कौन, कौन सी हो चाहे सरकार हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे बीजेपी की हो, चाहे वह भाजपा कौन सी भी हो भाई, युवा जो है रेडी के अड्डी हो हमारे देश के, तो युवाओं का कितना क्या कुछ आपको नजर आ रहा है कि भाई कुछ भागीदारी निभा रहे हैं गाँव के विकास में, या फिर कितना विकास कार्य काम में हुआ? युवा तो भाई खेल में भी आगे हैं, सब क्या में आगे हैं, तैयारी में भी सही चल रहे हैं टॉप में हरियाणा युवा। तो अपना स्टेडियम है, स्टेडियम खतर मांग कर रखी है भाई, लेकिन है नहीं जगह को नहीं, नुका की चल जाए हाई भाई। और अपने काम क्या दिक्कत नजर आ रही है? कोई समस्या परेशानी? समस्या सारी है भाई, कॉलेज हो एक तो अड़ा है कॉलेज, हाँ सब तो बड़ा गांव है नू लगा ले, इसमें एक तो कॉलेज होना भी जरूरी हो भाई, और बस स्टैंड भी जरूरी है। कॉलेज जैसे करूँ बने अपना गर्ल्स कॉलेज, तो अपने जूही में होना चाहिए था। हाँ जूही में भी होना चाहिए था, क्या रूम बनाया उसकी बजाय जोई में जरूरी था, लेकिन जोई में कोनी, और एक बस स्टैंड की सुविधा जरूरी है जोई में। हाँ धन्यवाद भैया, राम राम। राम राम। आपका नाम? रजवंत। यहीं से हो? हाँ। आप बताओ गांव में क्या कुछ समस्या है? सारी समस्या से बिनो के जैसे है, जैसे 5 किलो अनाज दिन से बस यो है, बस या हाल से बस, और की माल को नहीं 5 किलो अनाज तो पेट कौन भरे? फैमिली आईडी इनकम कितनी भरी भाई? हैं फैमिली आईडी इनकम? इनकम थी उनकी तो काटे दी, जिनकी बननी थी वो तो के नाम से काटे दी, जो बिना बननी थी वो बना के छोड़ दी सारी, सिफारिश रिश्वत खोरी और क्या चल रहा है गांव में सुने कौन से कैसा? इलेक्शन होया वोट पड़े और भाई वो मौज होगी, बात कुणा 5 साल है तो वोट अब किसको दूंगा तो भाई, वोट तो किसन पकड़ा दिया, बाकी थर्ड पार्टी ढूंढना कोई और, बाकी तो के नाम देख लिया सब ने देखी, थर्ड पार्टी तो है नहीं। तो अच्छा पहले नंबर पर और आम आदमी पार्टी, आप थर्ड की बात कर रहे हो? आम आदमी पार्टी। और अब कौन रहेगी जगह या कोई वो कौन है सीट तो कौन सी जगह कौन थी? शाम की बात कर रहा हूं, तो शाम में किरण चौधरी है मेरे कंटिन्यू बनती आ रही है। किरण को किरण चौधरी आने को वा बोरी गेरी की जानू रहा है, कुछ काम करवाया? हां करवाया, लोगन भिड़ाउन का खरा माटी
और के काम करवा उनकी सुबह कदे आ गई तो न्यू कोनी खड़ी हुई जमा आई सुबह के मुके काम से ई वोटा ही टाइम पता आ जाई बाजी मतलब ये बरसाती पिंडे कोला काम हो रहा मतलब बरसात के टाइम में निकला सर मिंडे निकला कर एक को के कसूर से है एक को के कसूर से बस क्या बोल लग रहे जीत रहे से ना बताऊं कोनी वोटा जो नहीं जीत रहे से ना पासा एक भी को आंखी दिख है नहीं नहीं जीत रहे से बस रुके से अबे नहीं जीत रहे से के लिए किरण चौधरी ने 80 लाख रुपए दिए हां जोई कलाम उन पर जमीन है इसलिए दिया उरो जमीन कोनी पंचायत की जमीन नहीं नहीं जो बिजली भी नहीं जो बिजली भी कोनी एक है दोनों जो ही हां हां जो दे जोड़ा काम भी कोनी हां काम भी कोनी मुआवजा कोनी मिला बोल लकिन संसद में जा क्यों डा नहीं मिला काम भी कोनी 2 साल होया अरे हमने को मिला ने जोई कलाम मिल गया मुआवजा सुपर जाना मिला है जरी इसमें बताओ कौन ने मुआवजा दे दी बाकी या क्यों मठी भाई वोट लेने तो आ जा सर पास बोल रहे कोनी बार-बार क्यों बना रहे हो फिर आप के करा तू कड़ कुआं पड़ाई नजदीक की रहेगी और कड़ जाओ अभी नजदीक से मतलब नहीं होता ना सर आप ये देखो ना आपका वो एक एक वोट कीमती होता है तो आपको वोट उसको दो ना जो मतलब सही जो कुछ काम कर सके आप बता देना राजस्थान के अंदर राजस्थान में आप देखो हर योजना के अंदर जो है सरकार चेंज होती है नहीं करनी पड़ेगी चेंज करनी पड़ेगी 5 साल में एक नहीं होना चाहिए ना होना चाहिए तीनों आली जजपा आली बीजेपी आली कांग्रेस पहले थी तो कुर्सी करा नंबर हो गया आम आदमी पार्टी को ऑटोमेटिकली हो गयो सोचने की जरूरत नहीं है और कोई गुजर बसर भी कौन नहीं 2 साल तो केजरीवाल ने घुसी आने से भीतर कर रहे हैं कौन है आपको क्या लगता है मतलब हर योजना के अंदर सरकार चेंज होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए चेंज अच्छे आदमी को देना चाहिए सरकार की बात तो बाद में चलती है सरकार में ऊपर जो प्रतिनिधि अच्छा राजनीति में कोई भी नहीं है प्रतिनिधित्व कौन अच्छा करता है ठीक है अच्छा कौन नहीं होता तो फिर बदल देनी चाहिए बस ऑटोमेटिकली बदल देनी चाहिए कोई तुक्को नहीं तो साथियों फिलहाल जो है जोई खुर्द से भाई लाइव हूँ और तमाम लोगों से बातें की यहाँ पर इनका कहना यह है कि भाई गाँव के अंदर कोई भी कार्य अभी तक नहीं हुआ है पूरा गांव परेशान है नालियाँ मैंने आपको दिखा दी भाई नालियों के अंदर सफाई नहीं हो रही है एक गली दिखाई भाई मैंने आपको तो भाई आगे जो सरपंच हैं जो यहाँ से जो BDC हैं जो जिला पार्षद हैं उनसे भाई निवेदन करूँगा कि भाई इस गली का कम से कम ये निर्माण कार्य जो रुका हुआ है इसको पूरा करवा दीजिए और साथ ही साथ भाई कुछ फैमिली आईडीज की प्रॉब्लम्स हैं लाइट नहीं स्ट्रीट लाइट यहाँ पर गाँव के अंदर ये सारी समस्याएँ लोगों ने बताई तो इसके बारे में आपको क्या कुछ करना है कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएँ आज की वीडियो में इतना ही जय हिंद जय भारत भारत माता की।